दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको पेटीएम के नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था जो लॉन्च होने वाला है। तो आज यानी कि 1 नवंबर को पेटीएम की तरफ से उस कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो सबके सामने रख दी गई हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आने वाला है वो को ब्रांडेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, क्योंकि पेटीएम अपना खुद का जो कार्ड है वो अभी लॉन्च नहीं कर सकता। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था आपको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बाकी और कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करता है, यानी कि वहां पर भी जो है कोलैबोरेशन के में क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, और यही एग्जांपल हमने दिया था, यही जानकारी आपको दी थी। तो यहां पर जो बात निकल कर आई है वो ये कि पेटीएम का जो क्रेडिट कार्ड आने वाला है वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में ही आने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों का जो ख्याल होगा कि अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो क्या वो एसबीआई का ये वाला क्रेडिट कार्ड भी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप भी पेटीएम के इस क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम के SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो पेटीएम का नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड है। इससे पहले पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड आता था, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे यूज किया होगा या देखा होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उसमें वो एडिशनल फीचर्स जो हम नॉर्मल किसी भी रेगुलर क्रेडिट कार्ड में यूज कर सकते हैं वो फीचर्स हमें उसमें नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, बहुत सारे लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन अभी जो क्रेडिट कार्ड पेटीएम की तरफ से आने वाला है, पेटीएम का ये नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें आपको सभी जो रेगुलर फीचर बेनिफिट हैं वो भी यहां पर मिलने वाले हैं, चाहे वो आपका EMI का बेनिफिट हो, रिवॉर्ड्स का बेनिफिट हो, फ्यूल का बेनिफिट हो। तो यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल कैशबैक भी मिलने वाला है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो अप टू 75,000 यानी कि लगभग 75,000 रुपए तक जो है आप इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट ले सकते हैं। 3% तक का आपको यहाँ पर कैशबैक मिलता है, और ये जो कैशबैक है वो आपका रेगुलर कैशबैक रहेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स का यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलता है उन्हें आप गिफ्ट वाउचर्स में जो है रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैशबैक की, तो यहाँ पर 3% का कैशबैक आपको मिलता है अगर आप अपनी शॉपिंग परचेजिंग करते हैं पेटीएम मॉल ऐप से। जी हाँ, पेटीएम की जो मॉल ऐप है यानी कि जो शॉपिंग परचेजिंग के लिए है, उनका ई कॉमर्स ऐप है, उससे अगर आप यहाँ पर शॉपिंग परचेजिंग करते हैं तो आपको 3% का कैशबैक मिलता है। पेटीएम की जो रेगुलर ऐप है अगर उसके जरिए कोई भी स्पेंडिंग आप यहाँ पर करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलता है। अदर अगर कोई भी स्पेंडिंग आप करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। साथ ही साथ आपको यहां पर मैं याद दिलाता चलूं कि यहां अगर आप कोई भी अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड करते हैं या फ्यूल पर स्पेंडिंग करते हैं तो यहां आपको जो कैशबैक का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये कैशबैक जो भी आपको मिलने वाला है वो आपकी जो शॉपिंग परचेसिंग होगी, जो स्पेंडिंग्स होंगी नॉर्मल, उसी पर मिलेगा। अगर आप अपने वॉलेट में कोई अमाउंट ऐड करते हैं या फ्यूल परचेस करते हैं, पेट्रोल डीजल किसी भी फ्यूल आउटलेट से, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड के साथ यहां पर वेलकम बेनिफिट के तौर पर आपको पेटीएम का जो है कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिल रही है पेटीएम फर्स्ट की। तो इसमें आपका ऑलमोस्ट 750 रुपीज की मेंबरशिप होती है, लेकिन यहां पर ये जो अमाउंट है वो आपका कंप्लीटली जीरो है। आपको क्रेडिट कार्ड के साथ में जो ये बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो यहाँ जो हमारा क्रेडिट कार्ड का चार्ज है 499 प्लस टैक्सेस जो चार्ज है वो आपका लगभग इक्वल सा ही हो जाएगा, क्योंकि जो और बाकी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और फीचर्स जो आपको यहाँ मिल रहे हैं अगर आप उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो ये अमाउंट आप दे रहे हैं यहाँ पर पेटीएम को चार्ज के रूप में वो आपका लगभग यहाँ पर आपको वापस मिल जाता है। तो यहाँ आपको लगभग 100 रुपीज की स्पेंडिंग पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और इस 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 1 रुपए की होगी अगर आप उस रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं पेटीएम ऐप पर। या तो यहाँ आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो ये कि जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास अर्न होते हैं आप उन्हें एक साथ जो है रिडीम कर सकते हैं पेटीएम गिफ्ट वाउचर्स में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो वाउचर है उसे आप और कई सारी जगह जो है यूज कर सकते हैं। पेटीएम यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप अपने जो गिफ्ट वाउचर्स हैं उन्हें किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर खुद भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं एंटरटेनमेंट पर, ट्रैवल पर, या अपनी जो बुकिंग्स आप करते हैं ट्रैवल बुकिंग्स, फ्लाइट की, होटल्स की, वहां पर आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा जो यहाँ पर एक वाइड ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अपने उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर पाए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ वैल्यू जो है वो लगभग 1 रुपए की मिल रही है, जो अदर क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो 20 और 30 पैसे की होती है अगर हम उन्हें कैटलॉग पर भी रिडीम करते हैं। तो
दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है वो मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन अपने क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर पाएंगे और इसी रीजन से यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड के साथ में एडिशनली 1 लाख रुपए का जो है एक फ्रॉड प्रोटेक्शन कवर यहां पर दिया जा रहा है। जी हां, जिसे हम लोग लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी भी कह सकते हैं, परचेज प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहां पर अगर आपका कार्ड जो है वो मिस हो जाता है और कोई उसका मिसयूज करता है तो यहां पर आपको 1 लाख रुपए तक का जो है यहां पर फ्रॉड प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ऑनलाइन अगर आप यूज करते हैं, ऑफलाइन यूज करते हैं, किसी भी तरीके से यहां पर आपको 1 लाख रुपए तक का जो है ये इंश्योरेंस कवर है आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर। और ये आपको कार्ड के साथ में ही जब आप कार्ड लेते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, डिटेल्स वहां पर डालते हैं तो ऑप्शन आता है, टिक करना होता है और उसके बाद ये जो बेनिफिट है वो आपके कार्ड पर एक्टिवेट हो जाता है। तो काफी बेनिफिशियल होने वाला है अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी किसी भी मर्चेंट के पास में। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत जो है कस्टमर केयर में वहां पर कंप्लेंट डालनी होती है। और अगर हम बात करें कस्टमर कंप्लेंट की तो यहां पर पेटीएम ने कंप्लीटली ऐप बेस्ड सर्विस रखी है, यानी कि अगर हम पेटीएम का एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसी एप्लीकेशन से अपने इस क्रेडिट कार्ड को हम कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस जो है वो इस तरीके से बनाया जाएगा एप्लीकेशन का, उसे मॉडिफाई किया जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस जो है आपको दिखने भी लगे होंगे और धीरे धीरे सभी जो एप्लीकेशन है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा कस्टमर को अपनी जिन्होंने भी डाउनलोड की हुई है। तो यहां पर जैसे ही वो अपडेट होता है उसमें वो जो अपग्रेड वहां पर किए गए हैं वो आ जाएंगे और आप उसी वहीं से जो आपकी एप्लीकेशन है वहीं से सीधा अपने क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो स्पेंड एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं कि आपका जो रेगुलर स्पेंडिंग अगर आप कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से तो वो कहां पर ज्यादा हो रही है, आप उसे अपना नॉर्मल जो शॉपिंग परचेसिंग वाली करते हैं उस पर हो रही है, ग्रोसरीज पर हो रही है या फिर अदर जो हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस से हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टमर केयर में कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपने एप्लीकेशन से आप अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिमिट या अदर जो फीचर बेनिफिट आपको मिल रहे हैं वो वहीं पर अपने एप्लीकेशन में आप देख पाएंगे। तो यूजर इंटरफेस भी यहां पर काफी अच्छा होने वाला है, इजी होने वाला है, स्पेशली उन सभी लोगों के लिए भी यहां पर आसान हो जाएगा जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड से उसे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलने वाला है आपको सभी फ्यूल आउटलेट पर, किसी भी फ्यूल आउटलेट से फ्यूल फिलअप कराते हैं बिटवीन 500 to 3000 इन अ डे तो यहां पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलने वाला है। और पूरे बिलिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो 250 rupees तक का मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों काफी बेनिफिशियल क्रेडिट कार्ड होने वाला है, मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है। एनुअल फी जैसा मैंने आपको बताया कि 500 rupees प्लस टैक्सेस की जो एनुअल फीस है वो होने वाली है 499 प्लस टैक्सेस। तो अप्रोक्स आपका जो है एक ओवरऑल मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है, छोटी बड़ी सभी जरूरतें आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से पूरी कर सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटी आपको यहां मिलने वाली है, अदर किसी वेबसाइट पर भी आप क्रेडिट कार्ड को इजीली वैसे यूज कर पाएंगे जैसे बाकी जो क्रेडिट कार्ड है उन्हें यूज करते हैं। किसी भी मर्चेंट के पास में आप जा सकते हैं, मोर देन 2 मिलियन जो है मर्चेंट यहां पर है ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें जिनका टाई अप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। तो क्योंकि ये कार्ड भी जो है वो कोलैबोरेशन में आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस कार्ड को कहीं भी किसी भी मर्चेंट के पास में जाकर यूज कर सकते हैं। तो आप बात करें कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर सिंपली जो अर्ली एक्सेस अभी प्रोवाइड किया जा रहा है पेटीएम की तरफ से, तो ये अर्ली एक्सेस के बारे में आपको बता दूं कि ये सभी लोगों के लिए नहीं है, यहां पर पर डे जो है एक लिमिटेड नंबर यहां पर ऑप्शन दिया गया है। तो अर्ली एक्सेस में अगर आप उसी समय अपनी जो डिटेल्स है वो फिलअप कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और आपका नंबर जो काउंट यहां पर दिया गया अगर उसमें आ जाता है तो आप जो है अर्ली एक्सेस पा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड का। अब यहां पर होगा क्या कि आपकी जो डिटेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पेटीएम पोस्टपेड जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा जहां पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाएगी, आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा और वहां पर जो अमाउंट निकल के आता है तो फर्स्ट जो है ऑप्शन उसमें यही दिखता है कि वही अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में भी आपको मिलेगा। तो आपका जो पेटीएम जो पोस्टपेड है वो भी एक तरीके से क्रेडिट कार्ड की तरह वर्क करता है कि यहां पर पहले आप शॉपिंग परचेसिंग कर लेते हैं बाद में आपको वो अमाउंट जो है वो पेटीएम को वापस पे करना पड़ता है। तो उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड में होता है कि हमने पहले शॉपिंग परचेसिंग कर ली तो यहां जो लिमिट निकल के आने वाली है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाली है फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम देखते हैं तो। और 21 नवंबर से जो क्रेडिट कार्ड है वो मार्केट में आ जाएगा, 21 नवंबर को लॉन्चिंग है क्रेडिट कार्ड की, यहां पर जो डे है वो दे दिए गए हैं। तो तब तक के लिए जो है अर्ली एक्सेस दिया गया है, अगर आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो सिंपली अपने पेटीएम में लॉग इन करके वहां से अपना जो पोस्टपेड पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन है उसके जरिए आप एक्सेस ले सकते हैं। तो यहां पर अभी होगा क्या कि 21 नवंबर को जब कार्ड लॉन्च होगा तो उसमें जितने भी लोगों का जो पेटीएम फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हुआ है, वहां पर एलिजिबिलिटी मैच हुई है, वहां जो अमाउंट उनको डिसाइड किया गया है उन लोगों को फर्स्ट जो रेगुलर एप्लीकेशन है उनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनको क्रेडिट कार्ड जो है फर्स्ट ऑफर किया जाएगा। तो अगर आप भी ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इंस्टेंटली अपने फोन में पेटीएम एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते वक्त आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हो सकता है बाद में जो पेटीएम है वो आपसे आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी वो चेक करेगी, तो आपका जो इनकम रिसोर्सेज है उनके बारे में आपसे क्वेरी कर सकते हैं या आपकी कुछ आईडी प्रूफ यहाँ पर मांग सकते हैं। अगर आपका केवाईसी अभी नहीं हुआ है तो केवाईसी आपको यहाँ पर अपडेट कराना होगा, पैन कार्ड आधार कार्ड जो है वो अपडेट करना होगा पेटीएम में, और अगर पहले से आपने अपडेट किया हुआ है तो फिर वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। दोस्तों अप्लाई करने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड या लोन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें लास्ट 6 महीने में किसी तरीके का कोई ईएमआई बाउंस चेक बाउंस यहाँ पर ना हो, क्योंकि क्रेडिट चेक होगा और क्रेडिट में अगर कोई इश्यू होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्रेडिट कार्ड या लोन आप अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट जो है वो मस्ट होता है चेक होना, और क्रेडिट अगर चेक होता है तो उसमें जो एग्जिस्टिंग आपकी यूजेस हैं वो यहाँ पर जरूर चेक किए जाते हैं। होपफुली दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए